मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप JEE एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में अपनी कहानी सुनाऊंगा शॉर्ट में, कैसे मैंने शुरुआत की JEE मेंस एडवांस की तैयारी और कैसे मैंने दोनों एग्जाम निकाले। उससे पहले एक बात जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे मिथ्स दिमाग में लेकर चलते हैं, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अज्यूम कर लिया होगा खुद को लेकर कि यार मेरा परफॉर्मेंस तो 10th 11th में कुछ खास नहीं है तो मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा। आप में से बहुत सारे लोगों का मिथ होगा कि यार मैं तो टॉपर हूँ, 95 परसेंटाइल, 95% 99 हूँ तो मेरा तो निकल ही जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग दूसरों को जज भी करते हैं, भैया देखो वो कितने क्वेश्चन लगाता है, दिन भर पढ़ता ही रहता है, उसका पेपर तो निकलने वाला है। तो इन सारे सवालों का जवाब भी दूंगा अपनी कहानी के थ्रू। अगर आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगे, मेरी जो रियल स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में आपका अप्रिसिएशन, आपके आपकी बातें मैं सुनना चाहूँगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज एंड हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, व्हाट इज़ योर गोइंग इन योर माइंड, रियली आई वॉन्टेड टू नो। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन इस वीडियो में सबसे लास्ट में दूंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि क्लास 11th में मैं गया पहली बार कोटा। उससे पहले क्लास 10th तक मैं एक छोटे से टाउन के अंदर एक स्कूल में जहाँ पर 15-20 बच्चे थे, उस क्लास के अंदर मेरी सेकेंड या फर्स्ट रैंक आती थी, कभी फर्स्ट कभी सेकेंड, तो एक काइंड ऑफ टॉपर रह चुका था मैं अपने स्कूल के टाइम में, फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 10th। क्लास 10th का परसेंटेज को हटा दूं अगर मैं तो क्लास 9 तक आई वॉज मोर देन 95 परसेंटाइल। 95 परसेंटेज मेरे हमेशा बने, 95 तो मैं आपको कम बता रहा हूँ, 96, 97, 98, 99 मैं इस तरह का स्कोर करता था क्लास 9 तक। क्लास 10th में मैंने एग्जाम बिल्कुल अच्छे से दिया और आई सिक्योर्ड 78.5 परसेंटेज। मेरा मैथ्स में कुछ 97 परसेंटेज कुछ अराउंड अराउंड बना था, 2-3 मार्क्स मेरे कट गए थे मैथ्स 1 के अंदर। साइंस के अंदर भी आई हैव स्कोर रियली गुड। सोशल साइंस और हिंदी इंग्लिश में मेरा थोड़ा स्कोर कम रह गया था, बट यस स्टिल आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड स्कोर। लेकिन आई डो नॉट नो लाइक वॉट सर्कमस्टेंसेज हैपेंड, हैंड राइटिंग और वॉट एवर इट वॉज, सो बिकॉज ऑफ दैट आई सिक्योर नॉट सिक्योर गुड मार्क्स इन 10th जो मेरा एक्सपेक्टेशन था। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं रिजल्ट आने से पहले कोटा चला गया था। अब वहां पर आज का कैसा सीन है कि भाई बस कोचिंग में आप एडमिशन ले लो, इट्स एवरीवन इज रेडी, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले कोचिंग्स कम थी, बच्चे बहुत थे, सीट्स कम थी, कोचिंग के लिए भी एक टेस्ट लगता था। मैंने सारे कोचिंग के टेस्ट दिए जो टॉप थे, बंसल, रेजोनेंस, एलन, आकाश, ये वो जितने भी अच्छे हैं, तो आई वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ देम। और जब मैं पेपर दे रहा था उनका एंट्रेंस, आई वॉज लाइक कि भाई ये कौन सी दुनिया का पेपर है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। आई वॉज फ्रॉम राजस्थान बोर्ड, तो राजस्थान बोर्ड का लेवल एकदम यहाँ, मतलब मेरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा ना, मतलब था ही नहीं, क्योंकि मैं टॉपर और मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। और वो जो सवाल और बातें जो क्वेश्चन पेपर में लिखा दे, इट वॉज समथिंग एल्स। सो दैट वॉज फर्स्ट आई ओपनिंग थिंग कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी था, शायद CVC पैटर्न पर वो पेपर था और CVC पैटर्न का थोड़ा सा आगे रहता है, आई नो। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आई वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम ऑल द कोचिंग्स। और लगा एक जोर का झटका दिमाग के अंदर, धक्का लगा कि यार टॉपर मैं सिर्फ 20 लोगों में था। थोड़ा सा लोगों से बात किया तो समझ में आया, उस समय कुछ 1-1.5 लाख लोग करीबन करीबन, जितना मुझे समझ में आया, 1-1.5 लाख लोग कोचिंग करने के लिए आते हैं और मैं उनमें भी नहीं हूँ। और IIT के सिलेक्शन के लिए कम से कम टॉप 10,000 में आपको आना ही पड़ता था पहले, अभी तो 17,000 सीट्स हैं IIT की। और तो ये सिचुएशन थी, आई वॉज जस्ट गोइंग बैक, तो किसी का नोटिफिकेशन आया, पापा, मैं पापा के साथ गया था, तो नोटिफिकेशन आया कि यार ऐसे ऐसे कोचिंग है और उस कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं, एक लास्ट बैच बना रहे हैं फाइनल बच्चों का, ये बुकलेट है आप पढ़ लीजिए, अगर आप इतना बेसिक भी कर लेते हो तो आपका हो जाएगा। तो मैंने वो बुकलेट पढ़ी, थोड़ी सी गाइडेंस लिया और मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने वो शायद वो टेस्ट भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैंने उस पर कुछ खास नहीं किया, लेकिन हाँ वो उन्होंने बैच बना दिया था एक बच्चों का जो चाहते थे एडमिशन लेना, जो एक आखिरी ग्रुप ऑफ बच्चा था, लकीली विद द गॉड्स ग्रेस
मैं उसमें चला गया और कुछ रफली 5,000 बच्चे थे कोचिंग के अंदर। तो मैं कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू प्रमोट एनी वन। दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, अच्छा आपने कोचिंग ज्वाइन की अच्छी है और वो बेकार है। नहीं भाई, ठीक है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा चीज़ें कि कोचिंग कौन सी अच्छी है बेकार है, इस सवाल का जवाब भी दूंगा। तो मैं 5,000 बच्चों में आखिरी जो 100 बैच बच्चों का बैच था उसमें गया, और उसके अंदर जब मैं गया फर्स्ट डे सेकेंड डे मालूम चला एवरीवन वाज लाइक 96% 96%, 98%, 99%, कोई सीबीएसई से कोई आईसीएसई बोर्ड से। और अपन बैठते थे भाई, पूरी जो क्लास थी ऐसे क्लास होती थी क्लासरूम, उसमें सबसे पीछे आके बैठ जाता था भाई, क्योंकि आगे बैठूंगा तो बेइज्जती वाली फील, एम्बेरसमेंट फील होगा ना। तो मुझे समझ में आ गया था कि विद इन अ मंथ की आई गेस लास्ट 50 अमंग 5,000 पीपल, ये मेरी सिचुएशन थी उन 5,000 में। तो मुझे समझ में पहले ही आ चुका था, तो मैं तो 1,00,000 में भी नहीं हूं, तो कहां 5,000 की मैं कंपेरिजन कर रहा हूं। लेकिन ये मेरे लिए डीमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं था। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पता है डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को चैलेंज के रूप में लेगा कि अच्छा, कि एक था ना कि मतलब हम भी तो देखें हमसे बड़ा शैतान, ऐसी कौन सी चीज़ आ गई है जो नो हम मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं आता है, मुझे वो सीखना है, मुझे कम्पीट करना है, मुझे फाइट करना है चीज़ के लिए, मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे नहीं आता है ये रियलिटी है, आपको नहीं आता ये रियलिटी आज की, लेकिन एक और रियलिटी है कि क्या आप कर सकते हो, क्या आप में दिमाग में वो एक फिट है मेमोरी की यार मुझे निकालना है, मुझे करना है। मुझे बस वो जुनून था कि यार मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम निकालना है, आई डोंट नो, बस मुझे करना है। आई स्टार्टेड वर्किंग, टीचर का गाइडेंस मिला, लेकिन मैं बोलूँगा कि सच बोलूँ तो एक अच्छे टीचर से पढ़ना, कॉन्सेप्ट समझना एक अच्छी बात होती है, लेकिन मेंटर्स एक अलग चीज़ होती है। तो मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं गाइडेंस की बहुत कमी रह गई थी मुझे अपने उन 2 सालों में, गाइड करने वाला कोई था नहीं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन था, ज़्यादा बोलता नहीं था और पीछे चुपचाप बैठा रहता था, सवाल पूछने की भी बहुत हिम्मत नहीं कर पाता था, कभी कभार पूछ लेता था। तो गाइडेंस ना मिलने से समझ में नहीं आ रहा था किस रास्ते पे बढ़ूं, और इस कारण से परेशानी बहुत आई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ। जैसे फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में मुझे मैकेनिक्स जो 11th क्लास में चला, ऑलमोस्ट मैकेनिक्स ही चलता है, कुछ 9-10 चैप्टर्स होते हैं, तो वो मुझे क्लियर ही नहीं हो रहे थे एंड आई वॉज यूजली गेटिंग नेगेटिव मार्क्स इन फिजिक्स। केमिस्ट्री के अंदर भी मेरा नेगेटिव ही हाल था। मैथ्स के अंदर मेरे को इंटरेस्ट आने लगा और मैंने उस पर मेहनत भी की। आप ये भी कह सकते हो कि मेरी मेहनत ज़्यादा मैथ्स की तरफ थी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ कम थी। मैं थोड़ा बायस्ड हो गया था और ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बायस मत होना अपनी प्रिपरेशन पे। हाँ आप ये कर सकते हो कि पहले मैथ्स पढ़ लो, फिर फिजिक्स पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ लो, या केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर जो भी आप सेट बना सकते हो, दो दो का ग्रुप बना लो, लेकिन बायस मत होना। मैं बहुत बायस हो गया था अपनी प्रिपरेशन और ये बात मुझे रियलाइज हो गई थी। तो 11th आते आते हाँ ये था कि मेरा मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर आने लगा था और मैं आप यकीन नहीं मानोगे टॉप 20 में भी आ गया था एक बार, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरी गुड स्कोर इन मैथ्स। फिजिक्स में पॉजिटिव स्कोर आ गया था लेकिन कभी कभी नेगेटिव भी आता, और केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट मेरा नेक्स्ट स्कोर नेगेटिव होता था। तो इस तरीके से रेलगाड़ी चल रही थी, लेकिन एक बात समझ में आ गई थी कि आदित्य दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड जस्ट बिकॉज यू आर इन टॉप 20 ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि पहले एक मेरे को भ्रम हो चुका था कि यार मैं तो क्लास का टॉपर हूँ, जब 10th में था तो मेरी रैंक 5,000 में से 20 में है, मेरा कंपटीशन 10,00,000 लोगों में से है, मतलब कि करीबन करीबन मैं अगर बात करूँ तो 20 गुना ज्यादा लोगों से है। यस और नॉट 20 गुना ज्यादा, 200 गुना ज्यादा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो हाँ रफली रफली इतना ही है। तो मुझे समझ में आ गया था कि यार ये तो सिर्फ शुरुआत है, और हर बार मेरी रैंक टॉप 20 में नहीं आ रही थी, कभी टॉप 100, कभी टॉप 200। मैं इस तरीके से टॉप के बैचेस में शफल करने लग गया था फ्रॉम द लास्ट बेंच, और ये मेरा हुआ कुछ 6-7 महीने के पीरियड में। इतना तो मैं आ गया था कि मैं फ्रॉम द लास्ट 5,000 आई वॉज इन द टॉप 500 आई कैन से। तो मैं कभी 200 कभी 300, बट इसी रेंज में मेरा रहता था। डेडिकेशन बात करूँ तो इस लेवल पर डेडिकेशन था कि अगर मुझे बुखार भी है तो मैं अपने पापा को फ़ोन करके बुला लेता था कि, और मेरे पापा आ भी जाते थे हर संडे या हर 2 हफ्ते पर वो, लेकिन आ जाते थे, तो वो मुझे लेकर गए एग्जाम। एक बार की बात है कि मैं
बहुत ज़्यादा बुखार, मैं चल नहीं सकता था, तो ऑटो करके क्लासरूम तक छोड़कर आना, उस बुखार की हालत में मैं बाहर पेपर देकर आया, एंड इट रियली वेंट वेल, मतलब मेरा सर फट रहा था और बुखार अलग से था। तो बट हाँ, मेरे दिमाग में था कि यार आदित्य, लेट्स नॉट गिव एनी एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं देना है खुद को, पेन हो चाहे जो भी हो, लेट्स वर्क फॉर इट। मतलब खुद को एक हिम्मत देने की, यार मैं बुखार में भी पेपर देकर आऊँ, खुद को वो जोश देना है, खुद को एक बात याद दिलानी है कि देर इज नो एक्सक्यूज फॉर द फेलियर। मतलब आप फेल हो तो फेल हो, फिर आप ये नहीं बोल सकते मैंने एक टेस्ट दिया। तो ये बात भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि आप घूमने चले जाते हो, मैं आपसे बोलूंगा 2 साल, कम से कम 2 साल अपनी तैयारी के लिए दीजिए, लाइफ को जीजिए, आप खेलिए, आराम से खेलिए कूदिए, लेकिन आप ये जो छुट्टी पर निकल जाते हैं 7 दिन, देखो स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैंने एक वीडियो में बोला है, स्टार्ट नहीं कर पाओगे आप। एक बार आप मेहनत आपने की, फिर अगर आपने पॉज ले लिया 7 दिन का, फिर आप बोलो कि आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, मैं कुछ बहुत नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, तो मैं एक ह्यूमन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार आपने छोड़ दिया ना किसी चीज़ को, तो आप फिर से उसमें उठकर नहीं आ पाओगे, क्योंकि इट टेक्स करेज टू डू हार्ड वर्क एंड इट टेक्स मोर करेज टू कीप इट लाइक कॉन्टिन्यू दिस थिंग, लेकिन इट्स ईजियर टू स्टॉप एनीथिंग। बुखार आ गया, घूमने के लिए जाना है, तो आप अपनी लाइफ जीजिए, आप खेलिए 1 घंटा 2 घंटा, आप फिटनेस पर काम कीजिए, बिल्कुल आप 1 घंटा 2 घंटा अपने दिन में एंटरटेनमेंट के लिए दीजिए, 3-4 घंटा आप अपनी लाइफ को दीजिए, 5-6 घंटे आप सो सकते हो, लेकिन फिर भी आपके पास 14 घंटे बचते हैं। अगर आप स्कूल्स में अगर आप जाते हो तो रफली अराउंड 8 घंटे, लेकिन आपके पास पूछे खुद से 6-7 घंटे आपके पास फिर भी बचते हैं। ठीक है, स्कूल के टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है कि कैसे वो अपना 3-4 घंटा स्कूल में वेस्ट करते हैं। तो एनीवे, तो देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ फेलियर, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा स्कूल होमवर्क देता है ये देता है, तो सबका सोल्यूशन है आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, मेंटर आपको लगेगा। ठीक है, तो गाइडेंस आप लीजिए, यू विल फिगर आउट द पाथ। तो कमिंग बैक टू माई स्टोरी, तो ऐसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था, बट आई एम मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को डील नहीं कर पा रहा था, मुझे समझ में आ गया था, और ऑनेस्टली बोलता हूँ यार कि कभी कभी रो देता था कि यार ऐसे तो, क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे हो और आप फिर भी अंधेरा ही हो, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा हो, मार्क्स नहीं निकले, तो ऑब्वियसली डिमोटिवेशन होता ही है, ऑब्वियसली आपके पास भी था, लेकिन मैं वो रोने के बाद, वो डिमोटिवेट होने के बाद खुद को 1 घंटा अपना इमोशन, सब देखो मैं अब ये इंटरनेट नहीं था और मैं किसको बोलूं, तो मैं खुद से ही बातें करके, खुद से ही खुद को समझा कर, खुद ही का ही सपोर्ट सिस्टम बन के मैं आगे बढ़ता रहा। और छुट्टियां जब आई तो लोग घूमने निकल गए थे, और लेकिन मैं फिजिक्स की सैर में निकल गया था। एक और बात बताना चाहूंगा कि मैंने आपको बताया नहीं, जो मेरे बैच में 95-99 ICSE और बड़े बड़े बोर्ड के बच्चे थे, वो उसी बैच में थे, समझ में आया? तो ये मत सोचा ना कि 19 वाला ही निकालेगा, मैं 10th में 78 लेकर आया था, मैं 10th से पहले टॉपर नहीं था। तो ये मत समझना कि यार ये किसी ने लिख दिया कि यही लोग करते हैं, क्लियर नहीं, क्लियर वो करता है जो डेडिकेशन से आगे बढ़ेगा, और जो निकालना है, प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे ही प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ। तो छुट्टियां जब आई 11th की, आई गेस फेब्रुवरी और मार्च, ये 1.5 से 2 महीने की छुट्टी में मैं बुक लेकर आया, आशीष अरोड़ा बुक लेकर आया, MTG पब्लिकेशन बुक लेकर आया, मैंने पूरा मैकेनिक्स तोड़ कर रख दिया। ये मेरे लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, मेरे लिए बहुत एनर्जी बूस्टर था कि मैंने पूरा 1.5-2 महीना फिजिक्स पर ध्यान लगाया, मैकेनिक्स पर, और बहुत मजा आया दोस्तों, कसम से, वो जो तो फील आता है ना पढ़ने के बाद, तो इट वॉज रियली क्लियर, ये चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा था, बहुत ईजी है, तो जब तक आप नहीं समझते तब तक आपको मुश्किल लगता है, एक बार आप समझ जाते हो तो आपको बहुत ईजी लगता है, मुझे बहुत मजा आने लगा। और फिर मेरा फिजिक्स में स्कोर जब मैं लौट कर आया, वापस आया, तो 4 चांद लग गए मेरे मार्क्स के अंदर, और फिर मैं एक अच्छा, आप बोलते तो टॉप 150-200 में मैं फिक्स हो गया, मेरा पहले मैं टॉप 500 में बोला, इसका टॉप 200 में फिक्स हो गया। अब लेकिन एक और पेन था, मुझे मालूम था कि अगर IIT निकालना, NIT तो निकल जाएगा फॉर श्योर, लेकिन अगर IIT निकालना है तो मुझे एडवांस की बात कर रहा हूँ, उस समय देखो एक बता देता हूँ, उस समय मेन्स को हम AIEEE बोलते थे और एडवांस को हम IIT बोलते थे। तो एडवांस या IIT की बात करूँ तो वो मुझे मालूम था कि तक केमिस्ट्री नहीं निकलेगा दोस्त, तब तक बहुत मुश्किल है। मैं लगा रहा, पूरा साल निकल गया, बहुत लोगों ने बहुत बातें बोली, बहुत लोगों ने बहुत किताबें बताई, ये कर लो वो कर लो शॉर्ट, ये नहीं नहीं हुआ। मैंने सबसे सिंपल सोल्यूशन लिया केमिस्ट्री के लिए, मैंने NCERT पढ़ी,
करीबन करीबन 7 से 8 दिन एनसीईआरटी पढ़ी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, उसी के नोट्स बनाए, उसी को बार बार बोल बोल कर रिवाइज किया, उसी को लिख लिख के रिवाइज किया, 7 दिन जितना करना था दोनों बुक में, 15-15 घंटे की स्टडीज की वो दिनों में। उसके बाद कुछ महीने के बाद एग्जाम हुआ, और अब यहाँ जो मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी वो ये था कि एग्जाम प्रेशर में एग्जाम मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है। तो मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला आईआईटी का, लेकिन मेरा मेंस निकल गया, AIEEE निकल गया था, एंड आई गेट गुड एडमिशन इन NIT जयपुर। मेरा कुछ 6,500 रैंक आया था, मीन समवेयर अराउंड 99.57% मेरा बन गया था, लगभग कुछ 12-14 लाख बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था। इसके बाद लेकिन वो एक मन में टीस थी ना कि यार मुझे निकालना है, तो मैंने कॉलेज के जब मेरा कॉलेज चल रहा था NIT जयपुर, मैंने आखिरी के जनवरी और फरवरी में 2 महीने प्रिपरेशन की खुद से, मैं अपने घर चला गया था वापस। मेरे दिमाग में वो चीज़ थी मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो मैंने कोई कोचिंग ली, मैंने फटाफट से सारे नोट्स निकाले, पुराने बुक्स निकाली, और 2 महीने लग कर बैठ गया। और इस बार जो गलती हुई थी पिछली बार, जो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे पसीना आ रहा था, तो मुझे समझ में आ गया था एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत कामनेस ऑफ माइंड चाहिए, तो मैंने कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो की। मैंने खुद को थोड़ा सा वो जो बोलते हैं ना समझाया कि तुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, जस्ट एंजॉय द एग्जामिनेशन। तो जब मैं एग्जाम हॉल में घुसा तो थोड़ा सा बोलते कॉलर को थोड़ा ऊपर करके कॉन्फिडेंटली पीस ऑफ माइंड कि मुझे एग्ज़ाम नहीं निकालना, मेरे पास ऑलरेडी कॉलेज है, मैं बस एक और अटैम्प्ट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई पेपर। और लकीली इन दैट ईयर 2011 आई क्लियर्ड एडवांस पेपर इन द सिंगल अटैम्प्ट, और बहुत खुशी की बात हुई, मतलब फील हुआ कि यार वो जो फीलिंग होती पेपर निकाल की, वो दोस्त सातवें आसमान की फीलिंग होती है। मतलब मैं आपको एक सिंपल बोलूँगा, देर इज़ नथिंग ब्यूटिफुल बींग इन JEE एस्पिरेंट, देर इज नथिंग ब्यूटिफुल, देर इज नो फीलिंग विच कैन मैच क्लियरिंग मेन्स एंड एडवांस। आप निकालिए तो सही। आप में से बहुत सारे लोग सोच कर बैठे हैं कि यार मेरे नंबर कम आते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी परेशानियों से इतने घिरे हुए हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। मैंने आप में से बहुत सारे लोगों से बात की, नहीं मेरा तो केमिस्ट्री वीक है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो मैथ्स वीक है, मुझे तो करना ही नहीं है। यार फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे IIT NIT चाहिए? IIT NIT चाहिए तो आप दिमाग में करिए कि आई कैन क्रैक एनीथिंग, आई कैन डील विद एनीथिंग, मेरे सामने कोई भी चुनौती आएगी मैं उन सबसे बड़ा हूँ। बनाइए तो सही पर्सनैलिटी, अपने अंदर वो किरदार आपका कितना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने मुसीबत आया उसको तोड़ो। मैंने तोड़ा है फिजिक्स को, मैंने तोड़ा है केमिस्ट्री को, जो मेरे लिए बहुत मुसीबत की जड़ें थी, मैंने उस बैरियर को तोड़ा अपने दिमाग से अंदर किया। 99% वाले बोर्ड्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैंने वो बैरियर भी तोड़ा अपने दिमाग के अंदर कि 1 लाख लोग के बीच में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंट्रेंस के वक्त मैं हार कर बैठ सकता था कि यार ये लोग का सिलेक्शन कितना आगे, लोग मेरे से अच्छा रिवीजन कर रहे थे। जब मैं मिलता था लोगों से अपने मेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, तो दो दो तीन तीन बार रिवीजन कर चुके थे, हालांकि उनमें से बहुत सारे लोगों का हुआ, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। तो इट डजंट मैटर, डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद अदर पीपल, आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई दुविधा है, मेरी स्टोरी से कुछ आपको सीखने को मिला है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैंने आप लोगों की मदद की। और यही मेरा एक मकसद है शैल के थ्रू, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप में से लोगों की मदद कर पाऊँ। देखो दोस्तों, सच बोलूँ कि बहुत खुशी मिल रही है इन दिनों कि मैं बहुत सारे वो मजबूर बच्चे हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन यार। मैं आपको एक सवाल का जवाब देना भूल गया था कि कोई कोचिंग सिलेक्शन नहीं करती है। देखो कोचिंग आपको एक अच्छा मटेरियल दे सकती है, आपको एक एनालिसिस दे सकती है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे सकती है, लेकिन आगे बढ़ने का जुनून नहीं दे सकती। वो आपके अंदर आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा, या आपके साथ एक ऐसा साथी हो जो आपके साथ आपको बूस्ट करता रहे, आप जब गिरो तो आपको उठाए। जो मैंने बोला कि मेरे साथ कोई नहीं था इसलिए मैं खुद का ही मेंटर बन गया, तो शायद इसीलिए आज मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ, एक मेंटर बनकर, आप लोग का एक भाई बनकर आपके लिए, कि आपकी किस तरह से मदद करूँ आप मुझे बता दीजिए। बट हार मत मानो यार, हार मत मानना, सबसे बुरी चीज़ जो होगी लाइफ में वो है हार मानना। लड़ो, आखिरी दम तक लड़ो, अप्रैल तक लड़ो, अगले साल फिर लड़ो, अटेम्प्ट करो, निकालो एग्ज़ाम को।
दोस्तों, इट डजेंट मैटर इन व्हाट कोचिंग इन व्हाट पोजीशन यू आर इन, स्टिल यू कैन क्लियर दिस एग्जाम ऑफ मेंस इन एडवांस। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। जिंदाबाद।